सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की क्लासेस को स्टार्ट करने का, तो दोस्तों आज से आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की गणित विषय की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और आज हम लोग दोस्तों आपके पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि आपको गणित विषय में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके गणित विषय को पढ़ा था, उसी प्रकार दोस्तों हम लोग इस सेमेस्टर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे क्लासेस के माध्यम से हर एक चैप्टर को खत्म करने वाले दोस्तों। हर एक चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा नोट्स के माध्यम से, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैं नोट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। और सभी क्वेश्चन, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, सभी प्रश्न दोस्तों मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और जहां भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझसे बता सकेंगे, तो सभी जितने भी डाउट्स हैं आपके दोस्तों वह भी मैं दूर करता हुआ चलूंगा साथ के साथ। तो आप लोग दोस्तों रोज शाम के 7 बजे हमारी क्लासेस चलने वाली हैं, गणित की क्लासेस रोज शाम को 7 बजे आपको मिलेंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा रोज शाम को 7 बजे। हर एक चैप्टर को दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं, एकदम बेसिक से। जिसको भी गणित में डर लगता है या प्रॉब्लम होती है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस क्लासेस में बने रहिएगा। आप लोग को बस अच्छे से पार्टिसिपेट करना है कि हाँ, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो मुझे ढंग से पढ़ना है, जो सिखाया जा रहा है क्या सिखाया जा रहा है उस पर मुझे ध्यान देना है, और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस पर आपको दोस्तों ध्यान देना रहेगा। जहां भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझे बताइएगा, हम लोग उस सभी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शाम को 7 बजे आपको बस प्रेजेंट हो जाना है टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल पे। आपको आपके गणित की जितनी भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों सारी प्रॉब्लम्स मैं दूर करने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों हम लोग डाउट क्लासेस भी लेंगे, जहां भी आपको दिक्कत आएगी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले तो अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, इतना हमको जानना है। और इसके बाद समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों में गुणनफल में क्या संबंध होता है, यह थोड़ी थोड़ी चीजें दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, और बाह्य पदों और मध्य पदों के बीच संबंध क्या होता है, यह थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया भी है। लेकिन इस बार दोस्तों हम लोग क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह एग्जाम टाइम नहीं है कि समय आपके पास कम है तो कम समय में ज्यादा चीजें कवर करनी है, तो हमारे पास भरपूर समय है, तो हम दोस्तों पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और यह आपको हमेशा काम आएगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं यह आपको सेमेस्टर में भी काम आएगा, आगे चल के आपकी परीक्षाओं में भी काम आएगा। तो आप लोग हर एक चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद देखिए घातांक की अवधारणा, घातांक क्या होता है, घातांक के नियम क्या होते हैं दोस्तों, यह सभी हमको इसमें देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में किस प्रकार हमको लिखना होता है यह हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सरल ब्याज क्या होता है, मूलधन मिश्र धन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग किस प्रकार ज्ञात करते हैं, छमाही हो तिमाही हो उसमें किस प्रकार ज्ञात करते हैं, फिर देखिए सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, इसका किस प्रकार हम लोग प्रयोग करके प्रश्नों को हल करते हैं, यह सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद देखिए बैंक की जानकारी, बैंक से जुड़ी जितनी जानकारी है दोस्तों यह आपको मिलने वाला है। बैंक क्या होता है, बैंक से जुड़ी जितनी भी जानकारी है दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाली है इस चैप्टर में। उसके बाद देखिए बैंक में खाता किस प्रकार खोलना होता है, खाते के क्या क्या प्रकार होते हैं, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, लॉकर क्या होता है, धन किस प्रकार निकालते हैं, ये सभी चीजें
आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद देखिए है लघु गुणक की जानकारी। लघु गुणक का दोस्तों आपको मतलब पता है लॉग, लॉग के विषय में आपको पढ़ना है, और घातांक से लघु गुणक तथा इसका विलोम यह आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो लघु गुणकों के क्या क्या नियम होते हैं दोस्तों, ये सभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए है शेयर और लाभांश, शेयर भागीदारी, लाभांश, शेयर का वास्तविक मूल्य, ये सारी चीजें दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि आपको पता है कि कंपनीज के शेयर होते हैं, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों, इसके बाद देखिए समुच्चय की संकल्पना। समुच्चय दोस्तों आप सभी को पता है इंग्लिश में हम लोग सेट कहते हैं, और एक एक सुपरिभाषित संग्रह जो होता है दोस्तों वस्तुओं का, किन्हीं भी चीजों का, उसको हम लोग सेट कहते हैं। जैसे अभी आपसे कह दे कि 1 से 5 तक किस प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे किस प्रकार दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से मझले ब्रैकेट में आपको दिखा देना रहेगा, यही आपका हो जाएगा सेट। ठीक है, तो लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, सीमित, असीमित, एकल और रिक्त समुच्चय, यह सभी समुच्चय के प्रकार हैं, तो यह सभी आपको पढ़ना है। समुच्चयों का संघ आपको पढ़ना है, अंतर उभयनिष्ठ समुच्चय किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। इसके बाद देखिए है चर राशियों का गुणनखंड, किस प्रकार से चर राशियों का गुणनखंड करते हैं, और दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, यह देखना है। उसके बाद द्विघातीय त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए बीजगणितीय व्यंजकों में, बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग किस प्रकार से दिया जाता है। कोई भी बीजगणितीय व्यंजक है उसमें एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजक से किस प्रकार से हम भाग देते हैं, यह हमको देखना है। और इसके बाद देखिए दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, अवर्गीकृत आंकड़े दोस्तों आपको पता ही है कि कोई इसमें क्रम नहीं होता है और इनको लिख दिया जाता है, और इन्हीं आंकड़ों का दोस्तों आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं, यह इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इसके बाद देखिए आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां। ठीक है, अब आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है, यह दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हम फिर से बेसिक से पढ़ेंगे। और इकाइयां, इकाइयां तो दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो में बताया था, आपको याद होगा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्मूले का एक वीडियो मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो उसमें सभी इकाइयां दोस्तों मैंने आपको बताई थी, एक इकाई को दूसरे इकाई में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, यह सभी चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई थी, तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है आयतन, धारिता, सभी इकाइयां क्या होती हैं, एक इकाई को दूसरे इकाई में परिवर्तित कैसे करते हैं, सभी चीजें इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पढ़ लेंगे कि हमको ये सभी चीजें कभी नहीं भूलेंगी, क्योंकि इस बार पर्याप्त समय रहेगा, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चाहे वह हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, सभी को दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और दोस्तों जहां भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझे बराबर कमेंट करके बताइएगा, जिस भी चीज की प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स को दोस्तों सॉल्व करता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि आप सभी प्रशिक्षु भाइयों बहनों को यह वीडियो शेयर करिए, सभी को टाइम बता दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सभी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को जोड़ना आप लोग मत भूलिएगा, सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और टाइम बता दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए है घन घनाओं की अवधारणा तथा इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ पे दोस्तों घन घनाभ है, घन घनाभ की अवधारणा तथा इसके आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। अब घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, इनका संपूर्ण पृष्ठ हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, यह सभी चीजें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद देखिए है वृत्त खंड, कोई वृत्त का पार्ट दिया गया है, ठीक है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और कोई त्रिज्य खंड दिया गया है दोस्तों, यह सेंटर है और यह कोई त्रिज्य खंड दिया गया है, ये दोनों चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, और वृत्त खंड का कोण क्या होता है यह हम लोग जानेंगे।
और इसके बाद देखिए वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र परिधि पर बने कोणों का संबोध एवं इनका पारस्परिक संबंध। दोस्तों किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर और परिधि पे बने कोण में क्या संबंध होता है यह हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। अब किसी वृत्त पर दोस्तों एक बिंदु दिया गया है, उस बिंदु से आप किस प्रकार से स्पर्श रेखा को खींचेंगे यह हम लोग देखने वाले हैं। तो यह सभी चीजें, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलने वाली हैं। इतनी ही चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों, जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। हो सकता हो कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इजी है। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लासेस को करिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अपने कॉन्सेप्ट को भी बेसिक से एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, और जब तक एग्जाम आ जाएगा दोस्तों तब तक मैं आपकी बहुत ही अच्छी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा, जिससे आप एकदम टेंशन फ्री, जब एग्जाम आने वाले रहेंगे आप एकदम टेंशन फ्री रहोगे और आपके पास और समय रहेगा बाकी चीजों पे भी ध्यान देने के लिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि केवल डीएलएड पे ही नहीं आपको फोकस करना है, आपको फोकस यूपी टेट और सुपर टेट पे भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग अपने समय को बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग करते हुए चलें, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही दोस्तों मैं लॉन्ग नहीं खींचूंगा क्लास को, जितना आपके लिए एकदम बेसिक से जरूरी होगा, जितने क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी होंगे उतना ही हम लोग करेंगे। बहुत लॉन्ग खींचने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आपका समय बहुत ही कीमती है, तो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही बेसिक से मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो डेली 7 बजे दोस्तों, शाम के 7 बजे 7 PM पे आपको गणित की क्लासेस मिलेंगी, और आपके कंप्यूटर विषय की क्लासेस भी दोस्तों मैं ही लूंगा, और कंप्यूटर विषय की क्लासेस भी मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, वह भी मैं आपको सूचना दूंगा। बाकी विषयों की भी क्लासेस शुरू हैं जैसा कि आपको पता ही है, तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल पे आपको दोस्तों सभी विषय पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि शिक्षण और समावेशी दोनों रेणु मैम पढ़ा रही हैं, दोनों आपके फर्स्ट और सेकेंड विषय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। तो ये दोनों विषय और हिंदी और सामाजिक विषय आपका प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, तो ये सभी क्लासेस दोस्तों यहाँ ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो जहां से भी आपको सुविधा हो वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देखिए। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग आपकी क्लासेस को तैयार कर रहे हैं, आपके लिए लगातार हम लोग लगे हुए हैं। सभी क्लासेस दोस्तों आपको डेली टाइम पे मिलती हैं, तो सभी क्लासेस में बने रहिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यूपी टेट के लेवल की दोस्तों हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी क्लासेस में बने रहिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा उस पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बगल बेल आइकन आ जाएगा उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए, और जितनी भी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हो रही हैं सभी से आपको जुड़ना है, सभी का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, तो आपको दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ना है, टेलीग्राम ऐप पे आप जुड़ जाइए, वहां से आपको दोस्तों सभी वीडियोस और सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको टाइम टाइम पे सब कुछ मिलता रहेगा। वहां पे आप जाएंगे टेलीग्राम ऐप पे, टारगेट यूपी टेट सीटेट आप सर्च करेंगे, टारगेट यूपी टेट सीटेट, तो आपको हमारा चैनल दोस्तों मिल जाएगा वहां पे देखने के लिए, लोगो टीयूसी लोगो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सभी चीजें प्राप्त होती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी जानकारी को समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको क्लासेस को करना है। अब उम्मीद है दोस्तों रोज शाम को 7 बजे हमारी मुलाकात होगी, और पूरे गणित विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग कवर करेंगे, और आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक, 25 में 25 अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सभी क्लासेस से आप जुड़ना मत भूलिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।